के सामने हमारे जवान जो शहीद हुए थे जो जिलावार में, ये उनका शहीद स्मारक है। ये वही जगह है जहाँ पे 1948 में जब पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया था तो पूरी दुनिया में सबसे पहले बैटल टैंक का इस्तेमाल इतनी ऊंचाई पे सिर्फ जोजिला में यूज हुआ था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुरेज वैली। गुरेज वैली में एक जगह दावर, दावर में हम रुके हुए हैं। हमारे पीछे किशन गंगा कलकल करती आवाज़, और यहाँ पे हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट अपना टेंट लगाए हुए हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, इधर भी टेंट वगैरह पूरा पैकिंग हो रहा, ऊपर कंबल रजाई गद्दा रखा जा रहा है। डिफरेंट इनके कैंपिंग स्टाइल में और हमारे कैंपिंग स्टाइल में डिफरेंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। हम यहाँ पे कैंपिंग किए हैं पैसे बचाने के लिए, और भाई जनाब प्लीज़ कम, और ये जनाब कैंपिंग किए हैं पैसे खर्चा करने। टोटल आप लोगों का कितना गया होगा? अराउंड 20,000। 20,000 जनाब, मैं इतने दिन से यात्रा कर रहा हूँ, अब तक मेरा 5,000 रुपये भी नहीं लगा होगा। मैं पूरा कश्मीर घूम चुका, तो अपना अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं यहाँ पे 200 रुपये में रात गुजारा, क्योंकि अभी होटल में जाता तो मेरा मिनिमम जाता 1,500-2,000 रुपये जाता, लेकिन अपना अपना स्टाइल है। तो आप ट्रेवल किस स्टाइल में करते हैं ये आपके ऊपर है। घूमना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बजट को कैसे मैनेज किया जाए ना, ये बहुत टफ काम है। आप यहाँ देख लिए, बेचारे 15,000-20,000 रुपये डाल के कैंपिंग किए हैं, और हमारी डेली की लाइफ है कैंपिंग जब से मैं घर से निकला हूँ। तो अभी हम यहाँ से, हाँ एक चीज़ और बता दें, ये ऊपर अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊँगा, ये ऊपर सब बॉर्डर है, जस्ट उसके उस पार पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। इधर जो इनके तारबंदी किए हुए होते हैं, ये तारबंदी किया गया है। अभी हम निकलेंगे यहाँ से सोनमर्ग होते हुए लेह के लिए। जहाँ तक जाएंगे, नहीं तो अपना क्या ट्रेन डालेंगे, सो जाएंगे, फिर आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अब आपसे बाइक पर। मैं और मेरी बाइक पूरी तरह से तैयार है लद्दाख जाने के लिए। देख लीजिए, इतना लोड लेने के बाद भी हमारी बाइक हमारा पूरा साथ दे रही है इस यात्रा में। तो आइए हम निकलते हैं लद्दाख के लिए। भैया बाय बाय। ओम त्र्यंबकम मेजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मित्यो मोक्षि मामृतात्। हे भगवान सबकी रक्षा करें। यहाँ पे हमारे राइट साइड में मात्र एक पेट्रोल पंप है, और इस गांव की बात करें तो लोग बताते हैं कि इसमें कॉलेज स्कूल सब है, हॉस्पिटल भी है, मतलब सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क नहीं है। जियो ने कुछ दिन पहले यहाँ पर अपना नेटवर्क लगाया था, जियो के अलावा और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है। ये सीन जनजाति हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये सीन जनजाति वही जनजाति हैं जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत में आया था, तो ये उनके वंशज हैं, उनके वंशज जो गिलगित से लेके अपने यहाँ गुरेज तक फैले हुए हैं, और थोड़े बहुत हिस्से इनके द्रास में भी हैं, तो ये सिकंदर के ही वंशज हैं। नहीं मिला, नहीं मछली मिला, आपने मछली नहीं खिलाया। और सुबह देखा आपने सवेरे। अच्छा एक बात बताओ हमको, यहाँ से द्रास निकल जाएगा क्या रास्ता? यहाँ से निकलेगा, जाने नहीं देगा। एक किशन गंगा है, हम चलेंगे उस पार इस ब्रिज से, और अब गुरेज वैली को अलविदा कहने का समय आ गया, और हम गुरेज वैली को कहते हैं अलविदा। गुरेज बहुत ही सुंदर कैंपिंग स्पॉट है। अगर आप एडवेंचर ट्रिप के शौकीन हैं तो इस ऑफबीट डेस्टिनेशन पर जरूर आएं। गुरेज से सोनमार्ग की जो दूरी है वो 165 किलोमीटर, और मुझे सोनमर्ग पहुँचते
रात हो गई, इसलिए हमने अपना कैंप सोनमर्ग में ही डाल दिया। गुड मॉर्निंग सोनमर्ग। अभी हम सोनमर्ग में हैं। सोनमर्ग अर्थात सोने का मैदान। बताते हैं कि बसंत ऋतु में ना ये जो हमारे पीछे सब एरिया है ये फूलों से लद जाता है, इसलिए इसे सोने का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे आप दो तीन ट्रैक कर सकते हैं, जैसे सिरबल पिक, कुल्होई पिक, अमरनाथ पिक, यहाँ से आप ट्रैक करके जा सकते हैं। ये जो एरिया है ना कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम बात करें तो कुछ दूर, लगभग 9 किलोमीटर दूर जोजिला पास है। जोजिला पास वह पास है जिसे 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और श्रीनगर से लेह की जो कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई थी। जोजिला पास वही पास है जहाँ पे दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे पहली बार टैंक का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टैंक का, किसी युद्ध में पहली बार इतनी ऊंचाई पे टैंक का इस्तेमाल किया गया था, वो टैंक बैटल टैंक पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अभी जो हमारा प्लान है वो प्लान है अपने टेंट को पैक करना और जो जिला पास के लिए यहाँ से रवाना होना, जो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मित्योमुक्षीम् अमृतात्। हे भगवान, यात्रा सफल बनाए, आपके नाम से यात्रा शुरू। सोनमर्ग से लेह की जो दूरी है अप्रॉक्स 365 किलोमीटर, यह दुनिया के खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। अमूमन लोग इस यात्रा को पूरा करने में 2 दिन लगाते हैं, लेकिन आज हमने तय किया है कि इसे 1 दिन में पूरा करेंगे। कितने देर का रास्ता चढ़ने में? 14 किलोमीटर है। कितना देर लगता है? पहले गया तो सुबह जब को शाम तक आ जा सकते हैं। घोड़ा से और पैदल? पैदल थोड़ा लेट हो जाएगा। मतलब यही पर्वत है अमरनाथ का, तो इनको हम करते हैं प्रणाम। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद रहा तो हम भी आएंगे आपका दर्शन करने। ये है जोजिला दर्रा, मौत का दर्रा। हमारे देश के सैनिक बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। हमारे देश के जाबाज सैनिकों से पूरी दुनिया में कौन है लड़ने वाला? जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ एवरेस्ट बना देंगे। सामने शायद दिख पा रहा होगा जो ये ट्रक आ रहे हैं पहाड़ों के बीच में चींटी रेंगने जैसा एहसास हो रहा है। सबसे पहले हमारे देश के जो जाबाज सैनिक हैं इन्हें जाने दिया जाए। ये जो ग्लेशियर है इसके पिघल के आने से ना रोड की हालत खराब हो गई है। पूरा ग्लेशियर रोड पे। बच गए। जूते की हालत खराब एकदम। लेट हो जाए तो ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना पहाड़ों में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा भाई, यादगार होगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? ओ माय गॉड, वाह, अल्टीमेट।
निकलो भाई जल्दी। भाई साहब, भाई साहब, क्या बात, क्या बात, बड़ा गर्व फील हो रहा है मुझे यहाँ आके। वाह, अल्टीमेट, हमारे देश के सैनिक ऐसे खाना खा रहे। जैन साहब, ये है इनके खाने का स्टाइल। ये सब जो नदियां हैं वो भी जम चुकी हैं। नो फूड नो फार्मर। ओ जिला का 0 पॉइंट। कितनी हाइट है यहाँ? यहाँ पे 11,000 है सर, 11,600 कुछ है। ये जोजिला का 0 पॉइंट है और 11,600 फीट हाइट पे, जो हम राजदान पास पे गए हुए थे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, सेम हाइट यहाँ की है 11,649 फीट। व्यू वार्ड एट जोजिला एल्टीट्यूड। वेलकम टू लद्दाख। सर ये जो जिला वार मेमोरियल है क्या ये वाला? ये सामने हमारे जवान जो शहीद हुए थे जो जिला वार में, ये उनका शहीद स्मारक है। ठीक है, ठीक है। और हम अपने जवान को करते हैं यहाँ पे सल्यूट। ये वही जगह है जहाँ पे 1948 में जब पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया था, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले टैंक का इस्तेमाल, बैटल टैंक का इस्तेमाल इतनी ऊंचाई पे सिर्फ जोजिला में यूज हुआ था। और अभी हम जोजिला को पार कर रहे हैं, मतलब बड़ा गर्व होता है कि ये कभी पाकिस्तान के हाथ में चला गया था जोजिला, और यहाँ पे बैटल टैंक का इतनी ऊंचाई पे पहली बार पूरी दुनिया में, जब रोड भी नहीं था तो हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे बैटल टैंक का प्रयोग की थी सबसे ऊंचाई पे। तो सल्यूट एक बनता है हमारे इंडियन आर्मी को। हट जा, ओ हट जा। देखिए आरटीपीसीआर निगेटिव। एक्चुअली यहाँ पे जो आरटीपीसीआर की चेकिंग हो रही है, ये जनाब कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन जी। 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा रहा, रिपोर्ट आया तब गया, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आरटीपीसीआर लेके आने को बोलो। आरटीपीसीआर जब यहाँ आए तो आरटीपीसीआर लेके आए। चेक चेक, वेरी गुड। वेलकम्स यू टू द्रास। द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये जो द्रास एरिया है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा जगह है। यहाँ पे टेम्परेचर -65 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। द्रास -65, कैसे लोग सरवाइव करते होंगे। द्रास में पेट्रोल पंप भी है। नो ड्रोन जोन। ये कारगिल वार मेमोरियल है। ड्यू टू कोविड सर्ज कारगिल वार मेमोरियल इज क्लोज टिल फर्दर आर्डर। कोविड के कारण बस कारगिल वार मेमोरियल बंद है, अंदर से जा नहीं सकते, बाहर से ही इनको करते हैं सल्यूट और छोटा सा फोटोग्राफी करके निकलते हैं। दिल में बड़ी तमन्ना थी अंदर जा के उन शहीदों को एक बार श्रद्धांजलि दें, बट कोविड की वजह से दिल से सल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के देश के लिए इतना किया। एक्चुअली लेह जाने के लिए
कारगिल होके भी जा सकते हैं और बाईपास से भी जा सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम कराना था बाइक में, तो मैं कारगिल होके जा रहा हूँ और बाईपास ऊपर से है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसाई। ठीक है मोहम्मद साहब, आपको कितना देते हैं हम? भैया जी कितना देते हैं? अभी जी 100 रुपये दीजिए। जैसे लग रहा है हॉलीवुड मूवी का कोई सीन। ऐसा तो बस जो सीनरी बाज़ार में बिकती है ना, वही सीन नज़र के सामने आ रहा है, चाहे उस असम मिजोरम त्रिपुरा हो या वो सिक्किम हो या पूरा उत्तराखंड हो। ये एकदम अलग पहाड़ी है भाई, एकदम अलग। क्या बात यार, क्या नेचर ने बनाया है, शब्द ही नहीं है किसका वर्णन कर पाए। वाह वाह, टाइप हाउस। अभी लेह से लगभग 150 किलोमीटर हम पीछे हैं, लेकिन जो व्यू है ना, व्यू को देखते हुए गाड़ी तेज चलाने का दिल ही नहीं कर रहा है। ये कौन सा जगह है? खलसे। आरटीपीसीआर यहाँ देखना है? बहुत लेट हो जाएगा ना। अभी मैग्नेटिक हिल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर होगा। वो अंधेरा हो जाएगा ना। ओ भैया क्या हाल है? 8:54 हो रहे हैं और ये है मैग्नेटिक हिल, जो कि लेह से लगभग 35-40 किलोमीटर पहले है। मैग्नेटिक हिल के पास हम रात में पहुंचे और रोड पर ही हमें एक मार्किंग दिखाई दिया। ये मार्किंग वही मार्किंग है जहां पे लोग अपनी कार को न्यूट्रल करके छोड़ते हैं, तो कार चुंबकीय शक्ति के कारण नीचे न जाकर ऊपर पहाड़ी की तरफ खींचती हुई चली जाती है। और यह करते हुए हमें यहाँ आधे घंटे बीत गए, उसके बाद हम लेह के लिए निकले। लेह सिटी का जो नज़ारा है रात का है। फाइनली अभी हम लेह में पहुंच चुके हैं। ऐसा सूखा पहाड़ मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, एकदम सूखा पहाड़। मुझे लगता है कि उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट हो, जितना भी स्टेट मैंने कवर किया, ऐसा पहाड़ मैंने नहीं देखा। दूसरी, रोड के बारे में तो बात ही मत करिए, क्या रोड है NH1 का, मतलब आप जितनी आपकी ताकत है उतनी गाड़ी भगा सकते हैं। पेट्रोल भर के लाने की ज़रूरत नहीं है इस रोड पे, बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। कारगिल के आगे आने के बाद भी पेट्रोल हैं, ऐसा नहीं है पेट्रोल वैसे अर्जेंट पे खुले भी पेट्रोल मिल जाते हैं। बीच में भी अगर आपको अर्जेंट पड़ गया, कहीं रुकना हो, तो बहुत सारे गाँव हैं, होम स्टे मिल जाएगा। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इतने दिन से होटल नहीं लिया था, आज फाइनली होटल क्यों ले लिया। होटल मुझे बहुत सस्ता मिला, वैसे होटल यहाँ पे सस्ता है नहीं, 2000-3000 इस रेंज में होटल है। मैं 500 रुपए में होटल लिया, होटल आपको सुबह दिखाऊंगा। कल की जो मेरी प्लानिंग है वह मुझे भी नहीं पता, कल मैं क्या करूँगा, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, बड़ा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।